बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा उफाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 9 है आज हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हम शुरू कर रहे हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज हमारी चल रही है, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितने भी हमने आपको पार्ट्स क्वेश्चंस के समझाए हैं और होमवर्क के लिए दिए थे वो आप लोगों ने मुकम्मल कर लिए होंगे। इंशाल्लाह जैसे ही पीडीएफ शेयर करेंगे हम आपसे तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने काम को, अगर कहीं गलती हुई भी होगी आपसे तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई मीन्स एंड एक्सट्रीम्स इन द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है मीन्स पार्ट इसमें से कौन सा है और एक्सट्रीम पार्ट्स कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ, आगे आपके जितनी भी एक्साइज आपकी आगे होगी एक्साइज 6.2-3, इसमें मीन्स और एक्सट्रीम्स का काफ़ी काम हमारा होगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद वही बात है हमारी पुरानी कि हम सबसे पहले मैथ्स में क्या किया करते हैं, क्वेश्चन दोबारा एक दफ़ा सॉल्यूशन के बाद हम राइट करते हैं। तो 2:5 इज इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शन 8:20। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये सवाल उतार लिया, हमें सबसे बताना है कि एक्सट्रीम पार्ट और मीन पार्ट कौन कौन से वो आइडेंटिफाई करते हैं। याद रहे फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट को एक्सट्रीम कहते हैं और इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को मीन्स कहते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट को एक्सट्रीम्स कहते हैं और सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, मीन्स। तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर दीजिए कि ये हमारे पास जो है कौन सा पार्ट है, एक्सट्रीम, EXTREMES, एक्सट्रीम्स। फर्स्ट एंड लास्ट मतलब फोर्थ पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये रिस्टेंट बताइए, मीन्स। फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट मीन्स लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स, एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, मीन्स। बस यही चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी थी। अब हम यहाँ पे अलग से बता देंगे कि एक्सट्रीम पार्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। 2 और हमारे पास एंड 20, ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पार्ट्स। इसी तरह से मीन पार्ट्स को भी हमें बताना होगा कि मीन पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 5 and 8। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, मीन्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसके 2 पार्ट और होते हैं हमारे पास, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 2 में 3:4 इज इक्वल टू 6:8, इसमें से आप बता दीजिएगा एक्सट्रीम पार्ट कौन कौन से और मीन्स पार्ट कौन कौन से। इसी तरह से पार्ट 3 जो है हमारे पास, 3:3 इज इक्वल टू 3:3, इसमें भी आपको एक्सट्रीम और मीन पार्ट्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन और नॉट। इन तमाम के तमाम पार्ट्स में हमें ये बताना है कि कौन सा पार्ट प्रोपोर्शन है और कौन सा पार्ट प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोपोर्शन के लिए हमने सबसे पहले लेक्चर में रेशियो प्रोपोर्शन का जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे हमने आपको ये बात बताई थी, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियो का बराबर हो जाना वो प्रोपोर्शन कहलाता है। सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास एक सवाल के लिए है, हमने एक बोर्ड पे सवाल लिखा 18:24:30 and 40। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं। अगर है तो हम लिख देंगे कि ये इट इज़ प्रोपोर्शन, और अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन है या नहीं है इसका दारोमदार जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सट्रीम पार्ट और मीन पार्ट दोनों बराबर होने चाहिए। किस तरह से हम इस सवाल को कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते रहे बताइए, इसमें सॉल्यूशन हम लिखते हैं और एज इट इज क्वेश्चन को एक दफ़ा हम क्या
काट देते हैं, और काटते वक्त अब इस बात का खास ख्याल रखना है कि रेशो और प्रोपोर्शन के साथ हमें उतारना है। 18:24:30:40 फर्स्ट एंड लास्ट मींस फोर्थ पार्ट को हम क्या कहते हैं जी, बताइए स्टूडेंट्स। एक्सट्रीम, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम हमने लिख भी दिया। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या होगा जी स्टूडेंट, बताइए। मींस, ओके, मींस पार्ट भी हमने लिख लिया और एक्सट्रीम पार्ट भी हमने लिख लिया। याद रहे फॉर्मूला से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हम क्या लिखते हैं बताइए स्टूडेंट, कि हमारे पास ये दोनों साइडें बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मींस बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हम यहां पहले ये लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मींस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मींस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मींस का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बताइए स्टूडेंट्स, इक्वल होने चाहिए। अगर ये बराबर है तो ये इट इज प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है। इक्विलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ एक्स मींस, प्रोडक्ट ऑफ मींस क्या है हमारे पास बताइए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मींस हमारे पास है, मींस पार्ट कौन कौन से, 24 × 30, इन दोनों का प्रोडक्ट, मींस का प्रोडक्ट, मींस का प्रोडक्ट, मींस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम पार्ट का प्रोडक्ट, 18 × 40। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। रफ कॉलम में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 × 24 × 30 जी स्टूडेंट्स, 0 × 4 = 0, 0 × 0 × 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 1, 7 ऐड कर लीजिए 720, हमारे पास 720 रिजल्ट क्या आया, 720 इज इक्वल टू, अब आप 18 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या कर लेते हैं 18 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 0 = 0, 0 × 0 × 4 = 32, 4 × 4 = 3 कर लीजिए 7, हमारे पास 720 आ गया। तो लिहाजा ये दो प्रोपोर्शन है, क्योंकि इक्विलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया, बराबर आ गया, तो ये प्रोपोर्शन है। इक्विलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, इट इज प्रोपोर्शन, ये हमारे पास प्रोपोर्शन है। तो हम ये लिखेंगे इट इज प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे, बहुत इजी है। बस इस बात का खास ख्याल रखें कि फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट को एक्सट्रीम्स कहते हैं, ये ब्लैंक में भी हम पूछते हैं। इसी तरह से पेपर में सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को क्या कहा जाता है, कौन सा पार्ट कहा जाता है, मीन पार्ट कहा जाता है, ये भी हम ब्लैंक में पूछते हैं। इसी तरह से ब्लैंक में ये वाली बात भी हम पूछ लेते हैं अक्सर, प्रोडक्ट ऑफ मींस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डैश, तो डैश में आपको क्या लिखना होता है, एक्सट्रीम्स। इसी तरह से यूं भी पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डैश मींस, आप बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो रफ कॉलम होगा, और रफ कॉलम में आप क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे कि ये हमारा जो है रफ वर्क पार्ट है, और आपने इस तरह से रफ कॉलम का ये
इसी तरह से अब हम पार्ट टू को देखते हैं। पार्ट टू हमारे पास है 14, 19, 3 and 4। पार्ट टू मैं साइड कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन टू का पार्ट टू मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर 14, 19, 3 and 4। इसमें भी यही बताना है हमें डिसाइड करके कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? जी स्टूडेंट बताइए, सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा उतार लेते हैं। 14:19:3:4। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक्सट्रीम और मीन पार्ट को सबसे पहले बताते हैं। और एक्सट्रीम और मीन पार्ट हमारा क्या होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं? मीन्स। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to product of extremes. Okay students, अब आप बता दीजिए product of means part कौन कौन से? 19 multiplied by 3, ये हमारे पास mean parts का product दिया। अब extreme part का product 14 multiplied by 4। जी students, 19 3 का rough work पे कर लेते हैं ताकि अगर टेबल को याद नहीं तो रफ वर्क में कर लें। 3 9 27 3 1 3 5 57, ये हमारे पास रिजल्ट आया। 57 इज इक्वल टू, हमें देखना पड़ेगा कि एक्सट्रीम पार्ट में 57 अगर आता है तो ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है। और अगर नहीं आता है तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है। 4 4 16 4 4 5 56, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आया? 56। हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट प्रोपोर्शन, इट इज नॉट प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन नहीं है। बस हमें इन क्वेश्चंस में यही काम करना है, बताना है कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए से आप पूछ सकते हैं। और रफ वर्क बनाना बिल्कुल ना भूलें, रफ वर्क का कॉलम अलग से बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, डायरी नोट डाउन कर लीजिए, मैं डायरी लिख देता हूँ। होमवर्क हमारा क्या होगा? बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।